नमस्कार, जीवन राजस्थान न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं जितेंद्र। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। खबर बाड़मेर जिले के गुड़ामालानी से, जहां तहसील कार्यालय के सामने भारतीय किसान संघ के तत्वाधान में क्षेत्र के किसानों ने एक दिवसीय सांकेतिक धरना देकर जिला कलेक्टर व उपखंड अधिकारी रामजीभाई कलबी को ज्ञापन देकर मांगों को लेकर कार्रवाई करने की मांग की। आपको बता दें कि भारतीय किसान संघ के द्वारा तहसील कार्यालय के सामने क्षेत्र के किसान बार बार धरना प्रदर्शन कर अपनी वाजिब मांगों को लेकर ज्ञापन दे रहे हैं। समय पर समाधान नहीं होने पर किसानों में रोष व्याप्त है। किसानों ने ज्ञापन देकर बताया कि केरल कंपनी के बड़े बॉयलर निकलते हैं तब विद्युत आपूर्ति पूर्ण रूप से बाधित होती है। आगे आने वाले दिनों में रबी फसल की खेती का कार्य शुरू हो जाएगा और किसान इससे बहुत परेशान होंगे। नर्मदा नहर के तंत्र को ठीक करके डिजाइन अनुसार सुचारू रूप से आगामी रबी सीजन में पानी चलाया जाए, जिससे लास्ट टेल तक पानी पहुँच सके। इसी तरह 11 सूत्रीय मांगों को लेकर किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। की भारतीय किसान संघ के बैनर तले हजारों किसान उपखंड मुख्यालय पर अनिश्चितकालीन महापड़ाव को मजबूर होंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आप प्रशासन की होगी। ज्ञापन देने के दौरान खेताराम सिया, किसान नेता प्रांत उपाध्यक्ष हरिराम मंजू, जिला उपाध्यक्ष जगराम बेराराम सियाग, पुनाराम शंकर सिंह, मोतीराम छेनाराम, लादूराम कालूराम पुनिया, हरिकिशन साहू, भंवरा राम राणावास देवासी, जयराम सियाग, वक्ताराम सुतार, खेताराम हेमाराम जाजड़ा, रूपा देवासी, भूपाराम मेघवाल, जबराराम नाई, जयरूप राम इत्यादि सैकड़ों किसान मौजूद रहे। गुड़ामालानी से जोगेंद्र आचार्य की विशेष रिपोर्ट। सियाग भारतीय किसान संघ तहसील अध्यक्ष गुड़ामालानी, पूर्व में 28 जुलाई को जो ज्ञापन दिया था वो बीमा क्लेम और अनुदान के बारे में दिया था, वो न तो अनुदान मिला और न बीमा क्लेम आया, और अपने पड़ोसी जिले जालौर में बीमा क्लेम किसानों का आ चुका है। इसलिए आगामी 28 अगस्त तक अगर किसानों के खाते में बीमा राशि व अनुदान राशि अगर नहीं जमा होती है तो उसके बाद में किसान आक्रोशित होते हुए उग्र आंदोलन करेंगे और अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेंगे। उसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन व सरकार की होगी।